दोस्तों, किसी को भगवान बनाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि उनकी विचारधारा क्या है। और आज का वीडियो इसी विचार पर बेसिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा। दोस्तों, एक बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी है जिन्होंने यहाँ पे अपना बलिदान दिया और लोगों को एक रास्ता दिखाया जो रास्ता क्रांति की तरफ ले जाता है। क्रांति यानी क्या? गलत विचारों से अच्छे विचारों की जीत यानी क्रांति। गुलामी से बाहर निकालने वाला रास्ता यानी क्रांति। आप जो विचार आपके दिमाग में चलता है, जो संवैधानिक हो और समानतावादी हो, उसको बोलते हैं क्रांति। क्रांति इसे नहीं कहा जाता कि किसी भी व्यक्ति, समुदाय और प्राणी को ठेस पहुंचे ऐसा काम, इसको क्रांति नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, आज का वीडियो इसके लिए आपने थंबनेल देखा है तो कुछ कमेंट करने के पहले पूरा ये वीडियो सुन ले, क्योंकि ये वीडियो सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि बिरसा मुंडा कभी भगवान नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा की अगर जीवनी आप छाने तो बिरसा मुंडा ने अपने धर्म, प्राकृतिक धर्म के साथ भी और बाकी धर्मों का अभ्यास भी किया था। और ये बात उन्होंने यहाँ पे गौर से देखी कि आदिवासियों का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेजों के साथ और अंग्रेजों के पहले भी होता आया है। आदिवासियों के जो मूल्य है, आदिवासियों के जो नियम है, आदिवासियों के कानून है, उनको अपने यहां से लेके एक बड़े बड़े समुदाय स्थापित हो गए। बिरसा मुंडा की जीवन शैली भी वैसी ही रही। उनको जब पता चला कि यहाँ पे आदिवासियों के जमीन के लिए लड़ना पड़ेगा, तब उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए और उन लोगों के खिलाफ खड़े हो गए जो लोग यहाँ पे आदिवासियों का शोषण करना चाहते। बहुत लोग ये कहते हैं कि बिरसा मुंडा सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थे। बिल्कुल नहीं, बिरसा मुंडा उनके खिलाफ थे जो आदिवासियों के हक के खिलाफ थे। और बिरसा मुंडा ने क्रांति किया, उलगुलान किया और आज हमें दिख रहा है कि झारखंड ही नहीं तो बल्कि पूरा इंडिया बिरसा मुंडा को मानता है। और बिरसा मुंडा की जगह जगह जयंती, पुण्यतिथि होती है बहुत बड़ी मात्रा में। लेकिन जब नारे लगाए जाते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की जय, तब मुझे यहां पर खटकता है और यही बात मैं आपको समझाऊंगा। चलो हम देखते हैं कि टुकड़ो जी महाराज, राष्ट्रसंत गाड़गे बाबा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शाहू फुले, इन लोगों को जरी का टोप लगा के अगर चार हाथ लगा के बैठ दिया जाए क्या होगा? क्योंकि ये संत महात्मा, ये क्रांतिकारी लोग एक विचार प्रवाह आपके सामने रखते हैं, जो विचार प्रवाह उसके पथ पर आपको चलना है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप भगवान बनाते हो तो उसके विचार प्रवाह जो होता है वो मिट जाता है और उसके विचारों पर नहीं तो उसको हाथ जोड़े जाते हैं, उसको नमन किया जाता है और नवस भी बोले जाते हैं, मन्नत बिठाई जाती है। और हमारे क्रांतिकारी लोग भगवान नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे जिनका एक रास्ता था, जिनकी एक विचारधारा थी। आपको पता है यहाँ पे बहुत क्रांतिकारी लोगों को भगवान बनाने की कोशिश हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे उनकी विचारधारा मिट जाए और वो नाम सिर्फ लोगों में रह जाए, जिसको पूजा जाता है, जिसके सामने मन्नत बोली जाती है। ऐसा अगर होता है तो क्रांतिकारी विचारधारा वहीं पे मिट जाएगी और ऐसा होता ही आया है। और आप जानते हो कि यहाँ पे बाकी धर्मों का प्रोपेगेंडा कैसे फैलते आए? आदिवासियों को गुमराह करने की साजिश ऐसी नहीं होती है, उनको वो आपको सोशल मीडिया के द्वारा, अपने अनेकों पोस्ट द्वारा आपको कंट्रोल करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि कौन आपके दिमाग में क्या खेल रहा है। एक बड़ा आर्टिकल आप पढ़ लेते हो और उसी आर्टिकल के द्वारा आप लगे रहते हो। किसी भी क्रांतिकारी को भगवान कहना, क्योंकि आदिवासियों में भगवान नाम की डेफिनेशन है ही नहीं, प्रकृति है, सर्वोच्च शक्ति है। आदिवासी इंसान उस शक्ति को मानता है, ना कि भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, इस संकल्पना को। तो दोस्तों, इस जंकड़ से बाहर निकलिए। बिरसा मुंडा के सामने भगवान ना लगा दो, क्रांति सूर्य भी लगा दिया, क्रांति वीर लगा दो। आपको जो चाहिए वो वीर शौर्य वाला, जो क्रांति करे, आदमी को शोभा दे, ऐसी उपाधि दे दो। लेकिन भगवान नहीं कहना, क्योंकि भगवान हो गई तो उनकी विचारधारा वहीं पे मिट जाती है और इससे फायदा होगा उन लोगों को जो आपको पहले से तुले है किसी प्रोपेगेंडे में मिलाने के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, मेरा टॉपिक पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम, जय बिरसा।